मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की चोरी हुई शहनाइयों का मामला सुलझ तो गया है, लेकिन अब यह शहनाइयां वापस नहीं मिल सकेगी। शहनाइयों को और किसी ने नहीं बल्कि बिस्मिल्ला खान के पोते ने चोरी करके उन्हें बेच दिया था। दरअसल बिस्मिल्ला खान के पुश्तैनी घर से उनकी बेशकीमती शहनाइयां चोरी हो गई थी। इसमें उनकी 3 चांदी की बहुमूल्य शहनाइयां शामिल थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने खुलासा किया कि शहनाइयों की चोरी को अंजाम और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं के पोते नजरे हसन ने दिया है। हसन ने महज 17,000 रुपए में 4 शहनाइयों को सुनार को बेच दिया था। चोरी की 5 शहनाइयों में एक लकड़ी की शहनाई सही सलामत बरामद तो हो गई है, लेकिन बाकी की 4 चांदी की शहनाइयों को सुनार ने पिघाल दिया है। फिलहाल पुलिस ने नजरे हसन के साथ सुनार शंकर सेठ और उसके बेटे सुजीत सेठ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो हसन ने कुछ लोगों से उधार ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उसने शहनाइयों की चोरी की और उसे बेच दिया। आपको बता दें कि चोरी की गई शहनाइयां बिस्मिल्ला खान को बहुत प्रिय थी। इनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, एक केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और एक लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भेंट की थी। कहा जाता है कि सारी शहनाइयों में से उनकी एक सबसे खास शहनाई थी, जिसे वह अक्सर मुहर्रम के जुलूस में बजाया करते थे। भारत रत्न बिस्मिल्ला खान के इंतकाल के बाद से ही उनकी याद में संग्रहालय बनाने की मांग होती रही है, लेकिन अब तक कोई संग्रहालय नहीं बन सका। ऐसे में अब उनकी अनमोल धरोहर शहनाइयों को भी उनके परिवार वाले नहीं संभाल सके। देखते रहिए डीबी लाइव।